अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बरने और सेगुल के सेंग की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऐसे वाले बरने लिए, इसको बॉईल करके भी खाया था, गाँवटी होते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें सिर्फ नमक डाल के बॉईल करके खाया जाता है, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पर इसको साफ़ करके ऐसे वाले लिए हूँ। यहाँ पर मैंने दो प्याज ली हूँ, इसको कट करके ली हूँ। टमाटर ली हूँ दो, इसको भी कट करके ली हूँ। हरा मसाला है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है एक चम्मच। मसालों में मैंने हल्दी चम्मच, आधा चम्मच हल्दी ली हूँ। एक चम्मच धने की पाउडर है, आधा चम्मच जीरा है, दो चम्मच मैंने मसाला ली हूँ कोकनी मसाला, और आधा चम्मच नमक है। यहाँ पर मैंने लगनी ली हूँ और धीमी आंच रखी हूँ। इसमें मैंने दो बड़े चम्मच तेल ऐड की हूँ, थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को थोड़ा नरम करके लेंगे अच्छे से। प्याज अच्छे से नरम हो चुकी है, इसमें मैं हरा मसाला ऐड करूँगी, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। इस पर से मसालों को भून लेना है। मसाला अच्छे से भुना है इसमें हरा मसाला, इसमें टमाटर ऐड करूँगी मैं। मेरी सिंपल रेसिपी होती है और मज़े की बनती है, ऐसा ज़रूर ट्राई करना। साथ साथ इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और मसालों को इसमें अच्छे से भून लेना है। टमाटर के साथ में जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये कोकनी मसाला है। इसको इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। मसाला भी डाली हूँ मैंने, कोकनी मसाला, धनिया की पाउडर। हमारे मसालों में सब इस चीज़ होती है, अगर कोई कोई मसाले में नहीं होती है। सिंपल मसाला होता है कश्मीरी, लाल मिर्च, स्पाइसी पाउडर में से ये धनिक की पाउडर वगैरह इसमें ऐड करना पड़ती है। कोकनी मसाले में सब चीज़ें होती है, आपको बताने के लिए हम ये यूज़ करती हूँ मैं। इसमें सबके पास वैसा मसाला नहीं होता है। नमक भी ऐड की हूँ इसमें, और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसको एक दो मिनट अच्छे से भून लेना है। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून के लियो मैंने इसको। प्याज अच्छे से नरम भी हो चुकी है, इसमें मसाला अच्छे से नरम हो चुका है। मैं इसमें सेहुल की फली ऐड करूँगी, उसको भी मसालों के साथ 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 भरने भी वरने ऐड करना है। आप चाहे तो इसके अंदर बैगन ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, ज़रूर ट्राई करना। अच्छे से इसको मिक्स करके लेना है, इसके साथ भून लेना है इसको थोड़ा देर। एक दो मिनट अच्छे से भून लूँगी इसको। अच्छे से भून के लिए इसको, इसमें मैं एक गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पका के लेना है। धीमी आँच पे इसको पाँच से छः मिनट तक अच्छे से पका के लेंगे इसको। अच्छे से पक चुके हैं, इसमें मैं सूखा खोपरा ऐड करूंगी दो चम्मच।
देख सकते हैं मैं ऐसा बना के रखती हूँ सूखा खोबरा, इसको भून के, ये सूखा वाला खोबरा, ऐसा वाटी अच्छे देख के लेखना है खोबरा, इसको फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता है बिल्कुल। तो इसको भून के इसको मिक्सर में मैं पीस के लेती हूँ, ऐसा ऐसा पाउडर बना के रखती हूँ। इसमें से मैं 2 चम्मच दाल खोबरा इसमें ऐड की हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसमें थोड़ी ग्रेवी रहती है तो अच्छा लगता है इसमें। पकड़ की मदद से ऐसा थोड़ा सा हिला के लेना है इसको अच्छे से मिक्स करके, साथ साथ में हरा धनिया भी ऐड करूँगी। यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो लाइक करो, मैं सर्व करती हूँ अभी इसको, इसको चावल की रोटी के साथ में, गेहूँ की रोटी के साथ में, चावल के साथ में खाया जाता है और ये बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी सर्व की हूँ सेगुल की फली की और बरने की। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।